गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई नितीश शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑफ RIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से रूबरू कराया था कि किस तरीके से हम अपने सिलेबस को डिफाइन करेंगे, कितने पार्ट्स में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिवाइडेड है और किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें उसको रीड करना है, कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, तो वो पार्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आई होप आपने उसको प्रॉपर समझा होगा और जो सिलेबस मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराया PDF फॉर्मेट में, उसको प्रॉपरली पढ़ करके, देख करके उसको रिलेट करने का प्रयास किया होगा, राइट? तो उससे पहले हम अपना एक कम्युनिकेशन का पार्ट कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी। व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस कर लिया था, एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, एंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, कि ये क्या होती हैं और किस तरीके से इनको हेल्ड किया जाता है और इसको हम कंडक्ट करते हैं, राइट? अब उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसी टाइप्स के अंतर्गत एक टाइप आता है आपका ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, रिटन कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, कैसी होती है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, फिर इसको कैसे हेल्ड किया जाता है, क्या इसके मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, मीन्स क्या इसकी लाभ और हानियाँ हैं, बिकॉज कोई भी कम्युनिकेशन आपकी परफेक्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसकी कुछ मेरिट्स यानी लाभ हैं तो कुछ डिमेरिट्स मीन्स हानियां भी होंगी, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन एक वह प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ओरली मीन्स वर्बली आपसे बात कर रहा हूं, जैसे मैं अभी आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, दिस इज अ ओरल कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, मैंने आपको बता चुका हूं कि जब हमारे बीच में आपस में डिस्कशन होता है फेस टू फेस, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, राइट? तो कम्युनिकेशन जो हम ओरली करते हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं फेस टू फेस, जो टॉक करते हैं, दैट्स कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन, राइट? और जो भी एक्सप्रेशंस, जो भी आइडियाज, जो भी ओपिनियंस हम अपने रिटन फॉर्मेट में रखते हैं, दैट्स ऑल कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। समझ में आ गया अंतर कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन एक्चुअल में है क्या, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज कम्युनिकेशंस, राइट? अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन की मेरिट्स क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन क्यों हमारे लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है ओरल कम्युनिकेशन। राइट, इसके मेरिट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है आपका, इट इज मोर इफेक्टिव। ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव कही गई है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, जनरली आप किसी को मैसेज टेक्स्ट करते हैं तो क्या वो आपकी सारी बातें प्रॉपर समझ जाता है मैसेज के अंतर्गत? कई बार आपको आवश्यकता पड़ती है ना कॉल करने की या फेस टू फेस उससे बात करने की, उसको प्रॉपर समझाने की कि मैंने यार ये लिखने की कोशिश की थी और मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, होता है ऐसा? तो इसीलिए कहा गया कि ओरल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव, बिकॉज फेस टू फेस जो मैं आपको चीज़ें समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अभी कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि शायद आपके मन में डाउट्स चल रहे होंगे लेकिन आप उससे डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज अभी आप इसको ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं इस लेक्चर को। वही अगर आप मेरे सामने क्लासरूम में लेक्चर में प्रेजेंट होते तो आपका जो भी डाउट होता वो आप मुझसे क्लैरिफाई कर सकते थे, बिकॉज मैं आपके सामने प्रेजेंट था और हम वहां पर अपने डिस्कशन और डाउट्स को क्लियर कर सकते थे, राइट? तो
इसीलिए क्या होता है, फेस टू फेस टॉक मीन्स ओरल कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है, ठीक है। क्योंकि फेस टू फेस हम प्रॉपरली चीज़ों को समझ सकते हैं, कहीं कोई डाउट्स है उसको तुरंत क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी मिस हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड जो इसका लाभ है वो क्या होता है, ये कैसी होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। कॉन्फिडेंशियल मीन्स ये कैसी है, आपकी कोई भी चीज आप अगर ओरली बात कर रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता, नो एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं होता उसका, कॉन्फिडेंशियल, आप उसको गुप्त रख सकते हैं, सीक्रेट रख सकते हैं। मीन्स अगर दो पर्सन्स के बीच में बात हो रही है तो वो शायद हो सकता है तीसरे को पता ना चले बिकॉज उन्होंने सीक्रेटली बात की है, तो ये क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल भी होती है ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया कि इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड कॉन्फिडेंशियल, इसको हम गुप्त भी रख सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ पाया गया तो वो क्या है, आपकी कॉन्फिडेंशियल पार्ट नहीं रह गया, ठीक है। अगर इसी के विपरीत अगर इसके डिमेरिट्स की मैं बात करूं, डिमेरिट्स इसके क्या है, डिमेरिट्स फर्स्ट तो ये है नो एविडेंस, कोई भी प्रूफ नहीं होता, ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं है जनरली आज की डेट में, बस इसीलिए ये कम्युनिकेशन थोड़ी सी लो हो जाती है बिकॉज इसका कोई प्रूफ नहीं है। और प्रोफेशनल में आपका क्या है, रिटन कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बिकॉज क्या है, प्रॉपर चीजें रिटन में जो मौजूद होती हैं उसको आप कभी भी एज अ प्रूफ रख सकते हैं, बट ओरल कम्युनिकेशन में कोई प्रूफ नहीं होता है, दो लोगों के बीच बात हुई वहीं खत्म हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर, इमरजेंसी पड़ने पर आप उसको एज अ प्रूफ नहीं रख सकते, यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं होता, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, जो मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करता हूँ, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं किसी भी कम्युनिकेशन को कमज़ोर या मजबूत बनाती हैं, ठीक है। उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे ही डिपेंड करता है कि वो कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, ठीक है। बाकी इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में और क्या अंतर हैं, ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही, सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।